बिल्कुल भी ढील मत दीजिएगा, वरना आपकी पतंग कट सकती है एग्जाम में। फिर देखिए क्या जबरदस्त रिजल्ट आपके सामने निकल के आता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वे टू सक्सेस पर, और लेकर आ चुका हूँ आपकी हैवी डिमांड के बाद आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए जबरदस्त प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, किन पॉइंट्स के ऊपर, किन टॉपिक्स के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है, प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या रहना चाहिए, और आपको कौन सी मिस्टेक नहीं करनी जो कि 2018 वाले एग्जाम में काफी सारे कैंडिडेट ने की। इस वीडियो में आपके साथ ए टू जेड सभी इंपॉर्टेंट चीजें पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला हूं। फ्रेंड, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अगर आप भी आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखे, फिर आप अपने एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर लोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना बाकी का टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस बार ग्रुप डी का एग्जाम आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर एक एग्जाम के ऊपर बेस्ड होता है। सेकंड स्टेज में आपका फिजिकल होता है, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर है, आप आसानी से क्रैक कर ही लेते हो। दूसरा, वैकेंसी इतनी बड़ी है, और तीसरी चीज है कि इसमें बाकी वैकेंसी के कंपेरिजन में कॉम्पिटिशन 50% कम रहने वाला है। इससे पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि क्यों रहने वाला है। और फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है जो फिलहाल सिचुएशन चली हुई है, इस सिचुएशन के बाद डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो बेहतर है जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है उसको टारगेट करिए, उसको फोकस करिए। आपको पहले भी बता चुका हूं फ्रेंड्स, ये टाइम नहीं है किसी भी पोस्ट को कैटेगराइज करने का कि कौन सी ग्रुप डी की पोस्ट है, ग्रुप सी की, ग्रुप बी की। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है उसके पीछे पड़ जाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका अभी से ही 100% फोकस ग्रुप डी का एग्जाम रहना चाहिए। ग्रुप डी केवल ग्रुप डी 100% फोकस दे दीजिए इस एग्जाम के ऊपर। फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी शुरू करने से पहले आपको बता दूं, जो काफी सारे लोग पूछते रहते हैं कि ग्रुप डी के एग्जाम का लेवल कैसा आएगा, इस बार जो 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था सेम लेवल इस बार भी आपका रहने वाला है, मॉडरेट लेवल का एग्जाम आएगा। ज्यादा फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपका प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन होता है क्योंकि वेरियस शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं स्ट्रेटजी की। इस वीडियो में आपके साथ स्ट्रेटजी के टोटल 5 पॉइंट शेयर करने वाला हूं, जिनको आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हुए चलना है। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रेटजी के पॉइंट नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहां पर पहले मैं आपको इसका एग्जाम पैटर्न एक बार अच्छे से याद दिला दूं, क्योंकि एग्जाम पैटर्न एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है। इसके पीछे बड़ा लॉजिक है, वो आप आगे समझ जाओगे। फ्रेंड्स, सबको पता होगा इसका एग्जाम टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से जनरल साइंस है, टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स है उससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग है इससे आपके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, साथ ही जनरल अवेयरनेस है थोड़ा सा, और साथ ही आपका करंट अफेयर है उससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के आएंगे। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है आपकी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन पेपर में रहने वाली है। इसको अपने ध्यान में रख लीजिए, एक पेपर पर नोट कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करना दोबारा से स्टार्ट करिए। अब तक आपने इसकी प्रिपरेशन जैसे भी की उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब काफी कम टाइम बचा है, इसलिए आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग तो चलना ही पड़ेगा अगर आपको हाईएस्ट स्कोर करना है। अब जैसे ही हमने इसका एग्जाम पैटर्न एनालाइज किया तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें निकल के सामने आती है, जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी का पॉइंट नंबर सेकंड है हमारा टारगेटेड सब्जेक्ट, यानी कि आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। फ्रेंड्स, मैंने 2018 के सभी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज किया है, तब आपको पॉइंट नंबर सेकंड बता रहा हूं। एक और चीज मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, 2018 में जितने भी कैंडिडेट फेल हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, वो भी मैं आपको इसी पॉइंट के अंदर बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, जो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है जिस सब्जेक्ट के ऊपर इस एग्जाम के लिए, वो है आपका जनरल साइंस। फ्रेंड्स, 25 क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस से आएंगे, मोस्टली फोकस सब्जेक्ट आपका ये रहने वाला है, क्योंकि 25 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अंदर भी मोस्टली बायोलॉजी को ज्यादातर कवर किया जाएगा, जिसमें आपका ह्यूमन बॉडी साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही एनवायरमेंटल साइंस को बहुत ज्यादा कवर किया जाता है, साथ ही आपका एनिमल और प्लांटेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद ज्यादातर फिजिक्स को कवर किया जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री को कवर
किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका रहना चाहिए जनरल साइंस के अंदर। फ्रेंड्स एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा नेक्स्ट, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स बताने वाला हूं, यानी कि वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। बात करें सेकंड फोकस सब्जेक्ट की, वो आपका होना चाहिए करंट अफेयर। 20 मार्क्स का करंट अफेयर आएगा, जिसमें से टोटल आपके 13 से 14 करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, साथ ही 6 से 7 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से, जिसमें आपका हिस्ट्री से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन पूछ ले जाता है, और पॉलिटी से आपका 1-2 क्वेश्चन पूछ ले जाता है। लेकिन 13 से 14 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे। कैंडिडेट ने मिस्टेक की थी 2018 में, करंट अफेयर को देखा ही नहीं, सोचा कि हर एग्जाम की तरह आएंगे, लेकिन फ्रेंड्स 20 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, यही आपको हाईएस्ट स्कोर करा सकते हैं, इसलिए करंट अफेयर के ऊपर फोकस करना। नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूं टॉप स्कोरिंग टॉपिक से रिलेटेड, मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर में आपको किन किन चीजों के ऊपर फोकस करना है। तीसरा फोकस सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स। टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बड़ा ही इजी आएगा। जितने भी आपके टॉपिक होते हैं, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी टॉपिक के जो पहले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, वो आएंगे। 2 या 4 टफ क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। मैथ्स को इंपोर्टेंस दो, लेकिन कम इंपोर्टेंस दो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। चौथा सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग। 30 क्वेश्चन आएंगे। काफी लोग क्या सोचते हैं, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो रीजनिंग के ऊपर फोकस करें, क्योंकि हमें 30 क्वेश्चन चाहिए। फ्रेंड्स रीजनिंग इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है, तो मेरे हिसाब से आपको रीजनिंग के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। केवल 3 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करिए, जनरल साइंस, करंट अफेयर, मैथ्स के ऊपर। रीजनिंग को छोड़ दीजिए, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तब थोड़ा बहुत जो टॉपिक आपको टफ लगते होंगे तब रीजनिंग के ऊपर फोकस कर लेना। फिलहाल रीजनिंग के ऊपर अपना कीमती टाइम वेस्ट मत करिए, वो टाइम आप जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और करंट अफेयर के ऊपर लगाइए। फ्रेंड्स अब बात करते हैं 2018 में जो कैंडिडेट फेल हुए थे उन्होंने क्या मिस्टेक की थी। फ्रेंड्स काफी सारे लोगों ने क्या सोचा कि यार एग्जाम में 30 मार्क्स का रीजनिंग आ रहा है और 25 मार्क्स का मैथ्स आ रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी एग्जाम हो कैंडिडेट ज्यादा फोकस हमेशा मैथ्स के ऊपर करते हैं और रीजनिंग के ऊपर करते हैं, उनके अकॉर्डिंग यही दो सब्जेक्ट ज्यादा टफ होते हैं। फ्रेंड्स बड़ी मिस्टेक की थी, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में मैथ्स बिल्कुल इजी लेवल का आया था और रीजनिंग इजी टू मॉडरेट लेवल का आया था, सभी ने इन्हीं दोनों सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया। जनरल साइंस जो कि 25 मार्क्स का आ रहा था और करंट अफेयर जो कि 25 मार्क्स का आ रहा था, उनके ऊपर किसी ने भी फोकस नहीं किया, जिनकी वजह से उनको एग्जाम में डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। मैं आपसे कहता हूं फ्रेंड्स मोस्टली फोकस अपना जनरल साइंस के ऊपर रखिए और सेकंड प्रायोरिटी करंट अफेयर के ऊपर दीजिए, क्योंकि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, और मैथ्स और रीजनिंग तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, जब से आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। तो फ्रेंड्स मोस्टली जनरल साइंस और करंट अफेयर और मैथ्स के ऊपर फोकस करें, रीजनिंग को अभी साइड में रख दीजिए, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी इस बार। बात करते हैं स्ट्रेटजी के पॉइंट 3 के बारे में। अभी हमने इसका एग्जाम पैटर्न एनालाइज किया, और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं 2018 के सभी क्वेश्चन पेपर में अच्छे से एनालाइज कर चुका हूं, जिसके बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें सामने निकल के आती हैं, जिसमें से एक है क्वेश्चन पेपर टाइम ड्यूरेशन। फ्रेंड्स ये पॉइंट 2018 वाले एग्जाम में काफी लोगों के सामने बड़ा चैलेंज बना था, क्वेश्चन पेपर के टाइम ड्यूरेशन। काफी सारे कैंडिडेट 100 क्वेश्चन 90 मिनट में, यानी कि 1.5 घंटे में सोल्व नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। फ्रेंड्स अभी आपके पास काफी टाइम है एग्जाम होने का, तो आपको इस चीज के ऊपर प्रॉपर काम करना पड़ेगा कि आपके सामने ये प्रॉब्लम ना आ सके, आप आसानी से 100 क्वेश्चन 90 मिनट में सोल्व कर सको। मैं गारंटी से कह सकता हूं 80% कैंडिडेट के सामने एग्जाम में ये बड़ा चैलेंज बनेगा, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वीडियो देखते रहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है नेगेटिव मार्किंग। 2018 के एग्जाम में काफी सारे कैंडिडेट ने दबा के नेगेटिव मार्किंग की, जिसके बाद उनको एग्जाम में डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। फ्रेंड्स आपको अपनी ये हैबिट अभी से सुधारनी पड़ेगी नेगेटिव मार्किंग की, कि आप एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी ना करो। फ्रेंड्स 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको कम भले ही लग रही हो,
लेकिन जब एग्जाम में आप नेगेटिव लगाना स्टार्ट कर दे तो आपको पता ही नहीं चलता हमारे मार्क्स कहाँ चले गए। तो आपको अभी इस चीज के ऊपर भी काम करना पड़ेगा कि आप कम से कम नेगेटिव मार्किंग करो। फ्रेंड्स बात करते हैं स्ट्रेटजी के पॉइंट नंबर 4 के बारे में, जो कि है बेस्ट स्टडी मटेरियल। फ्रेंड्स आपको लगभग एक साल हो गया ग्रुप डी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हुए, क्या आपको पता है कि आपके लिए प्रॉपर और बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए जिसके अंदर से आप काफी कम समय में एक अच्छा और इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट निकाल सके। मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको अभी बताया कि आपका सबसे ज्यादा फोकस जनरल साइंस सब्जेक्ट के ऊपर रहना चाहिए। अब जनरल साइंस को प्रिपरेशन करने के लिए आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है जो कि सबसे यूनिक हो, सबसे बेस्ट हो। फ्रेंड्स आप कोई ऐसी बुक लीजिए सब्जेक्टिव जिसमें थ्योरेटिकल दिया हो। एक बुक आती है ल्यूशेंट, जनरल अवेयरनेस का बुक आती है, उसके लास्ट में जनरल साइंस का पोर्शन दिया होता है। अगर आपने अभी तक वो कवर नहीं किया उसको अच्छे से कवर कर लीजिए, जनरल साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कर चुके हैं, आपको लगता है कि जनरल साइंस मेरा बेसिक क्लियर है, तो आपको एक बुक परचेज करनी पड़ेगी। ल्यूशेंट का एक बुक आता है स्पेशल जनरल साइंस का, आप साइड में देख रहे होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। फ्रेंड्स अगर आप सब्जेक्टिव एक बार इस बुक को अच्छे से कवर कर लेते हो तो फिर आपका कुछ नहीं बचता जनरल साइंस का, बस जरूरी है कि आप प्रॉपर टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करते हुए चलो। फ्रेंड्स ये बुक परचेज करना काफी नहीं है, थ्योरेटिकल पढ़ना काफी नहीं है, साथ ही आपको एक ऑब्जेक्टिव बुक भी परचेज करनी पड़ेगी जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हों जनरल साइंस से रिलेटेड और टॉपिक वाइज। कोई ऐसी बुक जरूर परचेज कर लेना फ्रेंड्स, कोई भी हो, अरियंत हो या फिर प्रकाश पब्लिकेशन हो, कोई भी बुक हो, आप किरण पब्लिकेशन का भी ले सकते हो या फिर घटना चक्र ले सकते हो, बहुत सारी बुक हैं आप ले सकते हो। ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जनरल साइंस में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक प्रॉपर टॉपिक से रिलेटेड आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सको। आपको पता होना चाहिए कि इस एक फिजिक्स या फिर बायोलॉजी के प्रॉपर टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स कोई भी बुक हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जरूरी है कि एक आपके पास प्रॉपर सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल बुक होनी चाहिए जनरल साइंस के लिए और एक आपके पास ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बुक होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकंड आता है हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप सक्सेस मिरर बुक परचेज कर सकते हो जो कि आपको मंथली परचेज करनी पड़ेगी, या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण परचेज कर सकते हो, ये भी आपको मंथली बुक परचेज करनी पड़ेगी। ऑनलाइन आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो डेली, या फिर आप हाल ही की जो फिलहाल सिचुएशन चल रही है डेली न्यूज़ फॉलो करिए। द हिंदू एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर आता है जिसकी एप्लीकेशन भी है, डेली उसको पढ़िए। एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से द हिंदू एकदम बेस्ट होता है, इससे बाहर एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन कभी नहीं जाता। और फ्रेंड्स मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में पार्ट वन पार्ट टू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रोवाइड कर ही रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड करके करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लास्ट 12 मंथ आपको करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे और जो सिचुएशन फिलहाल की चली हुई है इससे रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो डेली की न्यूज फॉलो करिए करंट अफेयर प्रिपरेशन करने के लिए। करंट अफेयर में बिल्कुल भी ढील मत दीजिएगा वरना आपकी पतंग कट सकती है एग्जाम में, देख लेना फ्रेंड्स 20 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। और फ्रेंड्स हो सके तो डेली करंट अफेयर से एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किसी एक प्रॉपर टॉपिक से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट की, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए कोई भी आप बेसिक बुक परचेज कर सकते हैं जैसे कि एसएन डॉक्टर आरएस अग्रवाल या फिर बहुत सारी बुक है, कोई भी पढ़िए, बस बेसिक आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आप सफिशियंट मार्क्स ला सकते हो मैथ्स के अंदर। फ्रेंड्स बात करते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल की, जो कि है एक मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस वर्कबुक आपके पास होनी चाहिए। हर एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वीडियो में बताता हूं कि एक मॉक टेस्ट डेली आपको सोल्व करना चाहिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। फ्रेंड्स लॉकडाउन खुलने के बाद प्रॉपर एक ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट परचेज कर लीजिए, या फिर 2018 में जो एग्जाम हुआ था वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये आपके पास होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए कहीं से भी, और एक जिसमें 15 से 20 प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉक टेस्ट दिए हों आरआरबी ग्रुप डी के, वो आप परचेज कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि इसके बेनिफिट क्या है और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो फ्रेंड्स ये है आपका एक बेस्ट स्टडी मटेरियल।
फ्रेंड्स फाइनली आते हैं हमारी स्ट्रेटजी का लास्ट और पॉइंट नंबर 5 जो कि है प्रिपरेशन टाइम पीरियड, यानी कि डेली आपको ग्रुप डी की प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम देना होगा। फ्रेंड्स अगर आपको रियली में इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करना है तो डेली मिनिमम आपको 7 आवर तो प्रिपरेशन को देना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स टाइम ये ज़्यादा नहीं है, 7 आवर बहुत कम है, बस जरूरी है कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि ये एग्जाम मुझे कुछ भी करके क्रैक करना है। अब फ्रेंड्स आपको ये 7 आवर प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स आपको डेली मिनिमम 2 आवर तो जनरल साइंस की प्रिपरेशन के लिए देना ही पड़ेगा, क्योंकि 25 मार्क्स का जनरल साइंस आने वाला है और 25 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आपके एग्जाम में जनरल साइंस ही एक लौता ऐसा सेक्शन है जो कि आपके सामने सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा, तो मिनिमम डेली 2 आवर्स जनरल साइंस को जरूर दो। अब फ्रेंड्स हर एक सब्जेक्ट को आपको 2 तरीकों से पढ़ना है, हमेशा मैं आपको बताता हूं। एक तरीका तो ये होता है कि प्रॉपर टॉपिक को उठाइए और उसके रिगार्डिंग आप थ्योरेटिकल तरीके से स्टोरी के तरह सब्जेक्टिव पढ़िए और साथ ही आप उस एक प्रॉपर टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करें। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप ऐसे कर लीजिए कि पहले सभी सब्जेक्ट आप सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ लीजिए, यानी कि थ्योरेटिकल ल्यूसेंट वगैरह की बुक से पढ़ लीजिए। जब आप एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट को सभी टॉपिक को थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ लो तो फिर आपको प्रॉपर यही टाइम स्लॉट यानी कि 2 आवर का ऑब्जेक्टिव में रखना है। फिर आप प्रॉपर टॉपिक के अकॉर्डिंग प्रॉपर टॉपिक उठाइए और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे सोल्व करिए। तो या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप डेली 1 घंटा थ्योरेटिकल पढ़िए और 1 घंटा ऑब्जेक्टिव पढ़िए एमसीक्यू क्वेश्चन उसी एक प्रॉपर टॉपिक से रिलेटेड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस जरूरी है कि प्रॉपर टॉपिक से रिलेटेड थ्योरेटिकल भी पढ़िए और ऑब्जेक्टिव भी पढ़िए, तभी आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा और आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो। 7 घंटे में से आपके 2 घंटे चले गए, अब आपके पास बचते हैं 5 घंटे। इन 5 घंटे में से अब आपको 1.5 घंटा प्रॉपर मैथमेटिक्स को देना है। फ्रेंड्स आप डेफिनेटली ये सोच रहे हो कि यार 25 मार्क्स का मैथ सब्जेक्ट आ रहा है तो 1.5 घंटा देना काफी रहेगा। फ्रेंड्स मैथ सब्जेक्ट जरूर 25 मार्क्स का है, लेकिन काफी इजी मॉडरेट लेवल का आपका आएगा। 2 या 4 क्वेश्चंस आपके सामने थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगे, लेकिन काफी इजी होगा। 1.5 घंटा काफी है, क्योंकि मैथ्स आप काफी दिन से पढ़ते आ रहे हो, जब से आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू किया होगा मैथ्स आप तभी से पढ़ते आ रहे हो, तो फिलहाल आपको मैथ्स का थोड़ा सा टाइम कंप्रेस करना पड़ेगा और उसको 1.5 घंटे में लेकर आना पड़ेगा और 1.5 घंटे प्रॉपर डेडिकेशन के साथ मैथ्स को पढ़िए। अब आपके पास बचते हैं 3.5 घंटे, उसमें से आपको 1.5 घंटा प्रॉपर डेडिकेशन के साथ करंट अफेयर को देना है। आपको बता चुका हूँ टॉपिक वाइज पढ़िए, पहले आप प्रॉपर थ्योरेटिकल तरीके से पढ़िए एक एक टॉपिक को, फिर उससे रिलेटेड काफी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करिए। अब फाइनली लास्ट में आपके पास बचते हैं 2 आवर, इसमें आपको डेली 1 मॉक टेस्ट ग्रुप डी का जरूर सॉल्व करना है। फ्रेंड्स प्रॉपर मोबाइल या फिर घड़ी के ऊपर टाइमर लगाकर रख लीजिए 90 मिनट, उसमें आप प्रॉपर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखिए कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। ऐसा मॉक टेस्ट उठा लीजिए जो कि ग्रुप डी के एग्जाम पैटर्न को फॉलो करता हो और 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में सोल्व करना है। ना तो आपको उसमें नेगेटिव मार्किंग करनी है, नेगेटिव मार्किंग का रूल फॉलो करते हुए सोल्व करिए और पूरी पूरी कोशिश करिए कि आप 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लो। फ्रेंड्स डेली आपको ऐसा ही करना है जरूर, सबसे ज़्यादा अफेक्टिव रहेगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन वाली प्रॉब्लम है और नेगेटिव मार्किंग की प्रॉब्लम है वो इसी से दूर होगी और फ्रेंड्स आप काफ़ी सारे नए नए क्वेश्चन के भी सोल्व करने को मिलेंगे। अब फ्रेंड्स काफ़ी लोगों का जो डाउट आ रहा है रीजनिंग की तैयारी कहां से करें, आपको रीजनिंग की अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जब आप रोज अलग से एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करोगे तो उसमें आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और वहां पर आपको रीजनिंग के नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपकी रीजनिंग की ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आपका टाइम स्लॉट रहना चाहिए 7 आवर का, इसी तरीके से डेली प्रिपरेशन करिए, फिर देखिए क्या जबरदस्त रिजल्ट आपके सामने निकल के आता है और आप ग्रुप डी के एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर जाओगे। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो लोग ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमेशा आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग इंपोर्टेंट नॉलेजेबल अपडेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।